So, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पार्थेनोजेनेसिस, मतलब एंड से जन्म आखिरकार होता क्या है, इसको डिटेल में इस वीडियो में अपन क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, वैसे तो पार्थेनोजेनेसिस है ये एक तरह का अपन बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन, एनिसेक जनन, जो पार्थेनोजेनेसिस होता है ये एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन इसको बोल सकते हैं। तो देखिए आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले अपन इसके नाम के जो मीन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पार्थेनो एंड जीनेसिस, मतलब कौन, दो पी ए आर पार्थेनो एंड जीनेसिस, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है कौन, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए क्या होता है, पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन, पार्थेनो का मतलब क्या होता है, वर्जिन होता है, जबकि जीनेसिस, जीनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, या अपन बोल सकते हैं बर्थ, क्या हो गया, बर्थ। तो अपन एनिसेक जनन है, पार्थेनोजेनेसिस है, इसको अपन वर्जिन बर्थ भी बोल सकते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, जो पार्थेनोजेनेसिस है इसको अपन वर्जिन बर्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि पार्थेनो मतलब होता है वर्जिन, जेनेसिस मतलब होता है बर्थ, तो वर्जिन बर्थ भी अपन बोल देते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार एनिसेक जनन अपन किसको बोलते हैं। तो देखिए, ऐसा रिप्रोडक्शन क्या, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गेमेट्स, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गेमेट्स के फ्यूजन के बिना ही, क्या, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गेमेट्स के फ्यूजन के बिना ही न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन का क्या हो जाए, फॉर्मेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, एनिसेक जनन बोलेंगे। मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो गेमेट्स हैं उन गेमेट्स का बिना फ्यूजन के ही क्या हो जाए, बिना फ्यूजन के ही क्या मिल जाए, अपन को अपनी न्यू जनरेशन मिल जाए, इस जनन को क्या बोलेंगे अपन, पार्थेनोजेनेसिस बोल देंगे। यदि अपन ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा के अंदर कि कोई भी मतलब इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है, यदि वो क्या है, सिंगल जो गेमेट है, क्या है, कोई भी यदि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट यदि सिंगल जो गेमेट है उसके द्वारा हो जाए, मतलब जो सिंगल गेमेट है इसके अंदर यदि क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई भी सिंगल गेमेट है उसके अंदर क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, जिससे किसका डेवलपमेंट हो जाए, किसी भी इंडिविजुअल का क्या हो जाए, डेवलपमेंट, उसका क्या हो जाए, डेवलपमेंट, मतलब किसी भी सिंगल गेमेट के द्वारा यदि उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके द्वारा क्या हो जाए, अपन को अपना न्यू क्या बन जाए, नया क्या बन जाए, इंडिविजुअल बन जाए, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, एनिसेक पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। कैसे बन जाए, देखिए नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसके अंदर आप सबको पता है ये तो क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, इससे तो जो गेमेट बनेगा, मतलब इसके द्वारा तो किसका सिक्रेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का होगा मेल द्वारा, तो और जो फीमेल होगी उसके द्वारा किसका होगा, एक का फॉर्मेशन होगा। यदि इन दोनों का फ्यूजन करा दे, इन दोनों का फ्यूजन करा दे, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, जाइगोट, क्या मिल गया अपना, जाइगोट, और ये जाइगोट आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन, मतलब मेन था जो क्या था, टू एन था, फीमेल भी क्या थी, टू एन थी, इन दोनों के अंदर मियोसिस की प्रोसेस हुई और उससे क्या बन गया, मतलब ये एन, ये एन होगी, फिर इन दोनों के एन मिलेंगे, इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट, जो कि क्या होगा, टू एन होगा, डिप्लोइड होगा। ये दोनों हेप्लोइड, ये स्पर्म एंड एग क्या हो गया, हेप्लोइड हो गया, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि क्या है, डिप्लोइड है, जिससे क्या हो गया, एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या है अपना, नॉर्मल जो था लैंगिक जनन, इसको सॉरी लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, लेकिन जो पार्थेनोजेनेसिस होता है ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें ये ऐसी प्रोसेस नहीं होती, कई जगह अपवाद के रूप में आपको मेल भी देखने को भी मिल जाएगा। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो गेमेट्स है उनका फ्यूजन है, वो मतलब गेमेट्स का फ्यूजन होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, आपकी न्यू जनरेशन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कोई भी गेमेट होगा इसका फ्यूजन आखिरकार होगा ही नहीं, फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, नई जनरेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोल देंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं अच्छे से।
देखिए आपने हनी बी का एग्जांपल सुना होगा, सबसे अच्छा हर जगह आपको बताया जाएगा हनी बी, मधुमक्खी का आपको एग्जांपल दिया जाता है। देखिए मधुमक्खी के अंदर एक तो क्या होता है, नर होता है, एक क्या होती है मादा होती है। नर को तो अपन क्या बोल देते हैं, ड्रोन, और फीमेल होती है उसको क्यून, ये अपन बोल देते हैं। अब जो मादा होती है इसके अंदर एक तो क्या होती है क्यून देखने को मिलेगी, एक आपको वर्कर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो फीमेल होती है ये क्या होती है, 2N होती है, जबकि जो ड्रोन होता है वो N प्रकार का होता है। ओके, ये चीज आपको पता है। लेकिन जब क्या होगा, मतलब फीमेल का काम क्या है, यहाँ पे एक का फॉर्मेशन करना, एक का देना है, और मादा होती है वो एक बार में लगभग बोल के चले तो 12,000 तक एक का फॉर्मेशन कर सकती है। कितने, 12,000। तो देखिए ये जो ये फीमेल कहां करती है, इसके आगे पाउच सा रहता है, किसमें, फीमेल की बॉडी में। इस पाउच के अंदर क्या है, बहुत सारे एक पड़े, क्या पड़े, बहुत सारे एक पड़े। अब क्या होगा, ये सारे के सारे क्या है, एग है। ओके, अब क्या है, ये जो मेल होगा ये मेल क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, स्पर्म छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, स्पर्म छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, ये स्पर्म, ये स्पर्म छोड़ेगा। तो अब आप देखिए जो स्पर्म छोड़ेगा तो लगभग अपन बोल सकते हैं कि यहां तक मान लिया स्पर्म पहुंच गए, लेकिन ये जो लास्ट के तो बच गए ना, क्या हो गया, ये जो लास्ट के बच गए यहां तक स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि एकदम पैदे के अंदर है। तो फिर भी क्या होता है, फिर भी ये इनसे क्या हो जाती है, नई जनरेशन की फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब नई जनरेशन की, न तो इनमें कोई फ्यूजन हुआ, गैमेट्स थे इनके अंदर कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ, यहां तो स्पर्म मिल गए इनको, तो क्या कर लेंगे, फ्यूज कर लेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाले पड़े यहां तक तो स्पर्म पहुंचा ही नहीं, तो इन्होंने कैसे कर लिया, तो यही, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, एनिसेक जनन, मतलब किसी भी गैमेट्स का फ्यूजन हुआ ही नहीं, फिर भी अपन को क्या मिल गई, न्यू जनरेशन मिल गई। ओके, दैट्स क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस के क्या है, दो टाइप्स हैं, कौन कौन से आ गया, एक तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस आ गया, एक आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो नेचुरल मतलब तो क्या हो गया, प्राकृतिक एनिसेक जनन, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम एनिसेक जनन। अब जो आर्टिफिशियल है इसको इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अपन पहले तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इनको होता क्या है, मतलब आउटरो देख लेते हैं कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल वगैरह क्या होता है, फिर अपन इनको वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो यहां आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले पता तो होना चाहिए ना चीज आखिरकार है क्या। तो देखिए नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस मतलब प्राकृतिक, तो क्या होगा, कुछ जो प्राणी होंगे उनके अंदर क्या होगा, नियमित रूप से ये जो एनिसेक जनन की जो प्रोसेस है ये चलती रहती है, ये उनके क्या है, जीवन चक्र का एक हिस्सा होती है। कौन, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, मतलब ये प्रकृति द्वारा ही होती है, कुछ ही प्राणियों के अंदर होती है पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस, जो उनके जीवन चक्र में कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। तो अब देखिए जैसे कि वर्टिब्रेट्स हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं मतलब जो कशेरुकी होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनका यदि एग्जांपल है तो उनमें देखने को मिलेगी आपके कुछ कशेरुकी, क्योंकि मैंने बोला कुछ प्राणियों के अंदर, तो कुछ तो क्या होंगे कशेरुकी, जैसे कि एक कशेरुकी का नाम आ जाता है लेस्टा सेक्सिकोला हार्मोनिका, क्या आ गया, लेस्टा सेक्सिकोला हार्मोनिका, ये क्या है, एक प्रकार की छिपकली होती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, कशेरुकियों की, मतलब वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। कुछ एक वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर आपको नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा, उसी में से एक एग्जांपल है लेस्टा सेक्सिकोला हार्मोनिका, जो कि एक प्रकार की छिपकली है, इसके अंदर आपको नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा। अब कुछ एक बहुत सारे मतलब जो कशेरुकी होते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं उन लोग कुछ ही होते हैं, लेकिन उससे थोड़े से ज्यादा क्या होते हैं, कशेरुकियों के अंदर ही थोड़ा ज्यादा पाया जाता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि आपका क्या आ गया, एफिडस आ गया, एक रोटिफास आ गया, ये क्या है, कशेरुकियों के एग्जांपल। तो एक तो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे दिए हैं, तो आपको याद रखने चाहिए। ओके, तो ये तो बात कर ली अपन ने नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की। अब नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को दो भागों के अंदर क्या कर दिया, बांट दिया। अब दो भाग कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया आपका साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, एक आ गया कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अब नाम से ही पता चला है, साइक्लिक मतलब ये साइकिल के रूप में प्रेजेंट होगा, कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से, तो इसका तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, मतलब ये तो आपका पूर्ण रूप से ही क्या होगा, एनिसेक जनन होगा। ये क्या होगा, पूर्ण रूप से एनिसेक जनन होगा, इसके अंदर आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर आपके अंदर पूर्ण ही क्या होगा, एनिसेक जनन होगा, अलैंगिक जनन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस होगा, इसके अंदर उस प्राणी की किसी न किसी अवस्था के अंदर आपको क्या होगा, लैंगिक जनन देखने को मिल जाएगा, कभी ना कभी देखने को मिलेगा, या फिर वो साइकिल के रूप में चलता रहता है। साइकिल के रूप में कैसे, जैसे पहले क्या हो गया, पार्थेनोजेनेसिस हो गया, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया,
फिर वापस पार्थेनोजेनेसिस हो गया, वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ऐसे, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फिर कई टाइम पर पार्थेनोजेनेसिस तरह फिर लास्ट में वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये क्या आ गया, एक साइकिल के रूप में रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस बोल दिया। अब ये जो साइक्लिक एंड जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है, इसके अंदर क्या होगा, आपके मेल भी बनेगी एंड आपकी फीमेल भी बनेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों के आधार पर, साइक्लिक एंड कंप्लीट के आधार पर, इनको क्या कर दिया, दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया हेप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, एक हो गया डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, मतलब एगुणित एनिसेक जनन एंड द्विगुणित एनिसेक जनन, दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हेप्लोइड के अंदर तो क्या होगा, हेप्लोइड के अंदर तो ओनली फोर क्या होंगे, जो मेल्स होंगे, नर होंगे, वो क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, जबकि जो डिप्लोइड होंगे उनके अंदर मादाएं क्या होगी, उत्पन्न होंगी। तो हेप्लोइड के अंदर तो क्या होंगे, नर उत्पन्न होंगे और डिप्लोइड के अंदर क्या होगी, मादाएं उत्पन्न होगी। इस आधार पर जो डिप्लोइड है, इस डिप्लोइड को दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो एमायोटिक एंड मियोटिक, एमियोटिक एंड मियोटिक। तो एमियोटिक तो क्या, देखिए मियोटिक नाम नहीं पता चल रहा है, मियोटिक मतलब अर्धसूत्री विभाजन, तो मियोटिक तो अंदर तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सहित होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही आगे जो भी प्रोसेस होगी वो इसके अंदर होगी। जबकि जो एमियोटिक है, इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री जो विभाजन होगा उसके द्वारा ये प्रोसेस नहीं होगी। तो ये तो क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्रोसेस होगी, और ये वाले क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्रोसेस नहीं होगी। इस आधार पर जो मियोटिक टाइप है, किसका, डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस को, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिर्फ आउटर बता रहा हूं, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर और इजी तरीके से अपन इनको पढ़ने वाले हैं। अभी आप सिर्फ थोड़ा बहुत आउटर देख लीजिए कि आखिरकार ये चीज है क्या, ताकि आगे आपको ये नहीं हो कि ये चीज क्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले ही आपको नाम बता दिए। तो देखिए जो मियोटिक होगा, इसके अंदर क्या हो गया, दो प्रकार से होगा, एक तो हो गया बाई रेस्टिट्यूशन के द्वारा, दूसरा हो गया बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो ये दो प्रकार से हो गया, जो मियोटिक था दो प्रकार से हो गया। तो अब बात करेंगे कि नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल, क्या होता है आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम रूप से, मतलब अपन ही क्या करते हैं किसी प्राणी को एनिसेक जनन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करते हैं, अपन ये प्रोसेस का काम में लेते हैं। इस प्रोसेस को भी अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसके ऊपर पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाती है, और फिर इन सबको, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को एंड इनके टाइप्स को अपन आने वाली वीडियोस के अंदर वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।